देखिए यहां पर इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि डिस्प्लेसमेंट गिवन है, इससे आपको एक्सेलरेशन निकालना है। तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट से हमको निकालना होगा वेलोसिटी, वेलोसिटी से निकालना होगा एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी क्या बोला जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, अल्फा माइनस बीटा टी प्लस गामा टी स्क्वायर। तो वेलोसिटी विल बिकम डिफरेंशिएशन अल्फा बीटा टी, डिफरेंशिएशन आपके पास आएगा गामा टी स्क्वायर। तो अल्फा कांस्टेंट, कांस्टेंट डिफरेंशिएशन जीरो, बीटा टी की पावर वन और गामा डिफरेंशिएशन टी स्क्वायर, माइनस बीटा इंटू वन गामा इंटू टू टी। तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं टू गामा टी माइनस बीटा, ये आपके पास वेलोसिटी आती है। अब देखिए एक्सेलरेशन निकालना है तो डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी, आइए वेलोसिटी का एक्सप्रेशन कितना है, तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है टू गामा टी माइनस बीटा। सो टू गामा टी माइनस बीटा इक्वल टू टू गामा डिफरेंशिएशन टी की पावर वन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ बीटा। अच्छा बीटा क्या है, तो कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, टी की पावर वन के लिए ये आएगा वन, तो टू गामा मीटर पर सेकंड स्क्वायर विल बी आंसर। अभी एक क्वेश्चन और पूछा गया था आपसे, आपसे एक क्वेश्चन ऐसा पूछा गया कि अगर मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम, तो मोशन किस तरह का होगा। डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम, देन व्हाट विल बी द टाइप ऑफ मोशन। तो आपको ऐसा बोला गया प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट मानता हूं सी इंटू टी स्क्वायर। तो मोशन का टाइप निकालने के लिए आपको एक्सेलरेशन निकाल के चेक करना चाहिए, और एक्सेलरेशन निकालने के लिए आपने क्या किया, आपने x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट हटाया, कांस्टेंट c लिखा, तो वेलोसिटी आ गया dx by dt, डिफरेंशिएशन ct स्क्वायर। तो वेलोसिटी को आप सीधा लिख सकते हैं, डिफरेंशिएशन आपके पास में आ गया t स्क्वायर c into 2t, सो वेलोसिटी हो गया 2ct। नाउ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, आइए ये होगा आपके पास में डिफरेंशिएशन 2ct, डिफरेंशिएशन 2ct में 2ct, 2c डिफरेंशिएशन t की पावर 1, तो ये आ गया आपके पास 2c, c मतलब कांस्टेंट, 2 मतलब कांस्टेंट। सो ये साफ समझ में आता है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन इसे कहा जा सकता है। पुरोहित एकेडमी मेन ब्रांच प्रभात चौक एमजे कॉलेज रोड लोकमान्य हॉस्पिटल बाजूला जळगाव आणि पांडे क्लासेस जवळ बंधन बँकेशेजारी ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर जळगाव